हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ सेवन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों के सीज़न में बेबी की केयर कैसे करते हैं, बेबी पे क्या क्या अप्लाई करते हैं, बेबी की जो गर्मी है उसको आरामदायक हम कैसे बना सकते हैं, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चे सबके घर में होते हैं और गर्मी हर साल आती है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट देख के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो है कि गर्मी के सीज़न में आपको अपने बच्चे को कैसे रखना है, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है, सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, आप लोग हेल्थ सेवन पे फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस समय हमें बच्चे के कपड़े पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को हम क्या पहना रहे हैं। तो अगर हम बच्चे के कपड़े की बात कर लें तो गर्मियों के सीज़न में हमें ऐसे कपड़े चूज करने चाहिए जो कॉटन हो, ऐसा नायलॉन या पॉलिस्टर वगैरह ना हो, क्योंकि जो कॉटन होते हैं वो जब गर्मी होती है तो पसीने को सोखते हैं और सुखा देते हैं, लेकिन जो नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, वो पसीने को कभी नहीं सोखते हैं। तो जो बेबी की शरीर होती है वो अंदर गीली रह जाती है पसीने की वजह से, और जब गीली होती है तो उससे बच्चे को फिर खमौरियाँ हो जाती हैं, और वहीं अगर कॉटन का कपड़ा रहता है तो फिर वो पसीने को सुखाता भी और हवा चलने पर फिर ठंडक भी देता है, तो उससे बच्चे को कभी भी खमौरियाँ नहीं होती हैं। इसके बाद हमें ये भी चूज करना है कि जब भी हम बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं या गर्मियों के सीज़न में प्रेफर करें कि बच्चे को हम हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, जैसे वाइट हो गया, बादामी हो गया, लाइट पिंक हो गया, क्रीम कलर हो गया, इस कलर के कपड़े पहनाएं, क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो अपने अंदर खींचते नहीं है, जिस वजह से बच्चे को गर्माहट कम लगती है। लेकिन अगर वहीं हम बच्चे को डार्क कलर कपड़े पहनाते, जैसे काला हो गया, नीला हो गया, मैरून हो गया, ये सारे जो कलर होते हैं वो सूर्य की रोशनी जो होती है उसको अपनी तरफ खींचते हैं और बच्चे को और ज़्यादा पसीना गर्माहट देते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ख्याल रखना है। इसके साथ साथ जब गर्मियों के सीज़न में हम बाहर जा रहे होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के सब लोग हैट लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, तो हमें वही टोपी यूज करना है बच्चों के सर पे लगाते समय, जिसका ये चौड़ा सा हो ताकि उसके ये यहाँ से ये कंधे ये सारी चीज़ें ढकी हो, उसका जो किनारी हो ना हैट का वो चौड़ा सा हो, और हमें ये विशेष ध्यान देना है कि उसमें कोई भी ऐसे जो पट्टी लगी होती है वो चीज़ ना हो, उससे बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक सकता है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जब भी हम बच्चे को गर्मियों में कपड़ा पहनाते हैं तो सबसे पहले नीचे एक लेयर बनियाइन का जो कॉटन की आती है वो हमें ज़रूर डालना, उसके बाद ही बच्चे को फिर कपड़े पहनाने हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जैसे कुछ फैमिली, हम भी फील्ड विजिट के दौरान देखते हैं बच्चे कपड़े एकदम नहीं पहने होते, तो ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम नहीं पहनाना है, इससे फिर बच्चे को लू भी लग जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर हम बच्चे को लेके बाहर जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हम बच्चे को पहली बात तो 9 बजे से पहले लेके जाएं और शाम में 5 बजे के बाद लेके जाएं। दोपहर के समय में बच्चे को लेके ना जाएं जब एकदम धूप बहुत तेज़ दरार होता है, और अगर हम बच्चे को जब भी लेके जा रहे हैं तो हमें कॉटन का आपको लेना है अंगोछा, उससे बच्चे को पूरी तरीके से ढक के रखना है। कुछ जो मदर हैं, फैंसी माताएं ना, जो फैशन में चूर हैं, ऐसी माताएं जब बच्चे को लेके बाहर जाती हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चे की ट्रॉली आती है झुग्गी, उसमें जब बच्चे को लेटाती हैं तो नीचे नायलॉन का कपड़ा लगा होता है, तो उसमें भी विशेष ध्यान देना है कि जब भी बच्चे को लेटा रही हो तो उसके नीचे एक कॉटन की लेयर डाल दे, ताकि बच्चे को अगर पसीना हो रहा है तो कॉटन का लेयर जो है वो सूख ले, नायलॉन का गर्मी बच्चे को ना लगने पाए। तो ये हो गए बच्चे के कपड़े से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। सेकेंड, बच्चे को हमें कुछ देर बिना लंगोट के रहना है, जैसे बच्चा हमारा प्रॉपर अगर लंगोट प्रॉपर डायपर में प्रॉपर पैंट में रह रहा है तो बच्चे के प्राइवेट पास मतलब प्राइवेट पार्ट का जो एरिया वहाँ पे हवा नहीं जाने पाएगा, तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। कुछ दिन बाद जब बच्चा पैदा होता है तो आप खुद समझ जाते हैं कि आपके बच्चे को कब शुशु आई है, कब पॉटी आई है, इस चीज़ का आपको आइडिया लग जाता है, तो इस हिसाब से आपको अपना प्लान तैयार करना है कि दिन में कुछ समय आपको ऐसे निकालने हैं जब आप अपने बच्चे को बिना डायपर के, बिना कॉटन के, लंगोट के, बिना पैंट के रखेंगी, ताकि उस समय बच्चे को हवा लग जाए। और अगर आपका बच्चा घुटने के बल चलने लगा है, बिस्तर पे प्रॉपर नहीं लेटा रहता है, तो उस वो समय तो आपके लिए और भी वेस्ट है, उस समय आप अपने बच्चे को बिना लंगोट के, बिना डायपर के, बिना कॉटन के पैंट के रखिए, ताकि बच्चा चलता रहेगा, और जब आप बच्चे को बिस्तर पर फाइनली सुलाने का समय हो उस समय आप डाल दीजिए। इसके साथ साथ
जब आप बच्चे को बिना लंगोट के रखते हैं तो आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, अगर बच्चा आपका छोटा है, बच्चा थोड़ा ज़्यादा सुसु करता है, लेकिन फ्रेंड्स आपका काम बढ़ जाए ठीक है, बस बच्चा बीमार ना हो, ठीक है। तो आपको बच्चे को बिना लंगोट के दिन में कम से कम रखना ही रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि बच्चे को गर्मियों के सीज़न में हमें बार बार पेय पदार्थ देते रहना है। जैसे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ से छोटे, उन्हें अगर हम पानी नहीं देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो माँ का प्रॉपर दूध ले रहा है। आप देखेंगे कि गर्मियों के सीज़न में जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार दूध पीना चाहते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पीते, थोड़ा ही पीते हैं, फिर नेक्स्ट वो थोड़ा, इस तरीके से वो ठंडी के मुकाबले गर्मी में ज़्यादा दूध पीते हैं। उससे उनकी जो पेय पदार्थ की पूर्ति है वो हो जाती है। तो ऐसे बच्चे को पानी ऊपर से ना भी मिले तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल पे है, डब्बे के दूध पे है, गाय के दूध पे है, उस केस में आपको क्या करना, उबाल के पानी रख लेना और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे पिलाते रहना है। फ्रेंड्स अगर आपका बच्चा ऊपरी आहार लेने वाला है, खाना खिलाते हैं आप उसे 6 महीने से ऊपर का है, तो उस केस में आपको अपने बच्चे को प्रॉपर आधे आधे घंटे में थोड़े थोड़े पानी पिलाते रहना है। इसके साथ साथ जो भी मौसमी फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे नाशपाती हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जो पानी से भरे हुए होते हैं, वो आपको अपने बच्चे को देते रहना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आप बच्चे को खाना दे रहे हैं वो ताज़ा खाना हो, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में सुबह का बना हुआ खाना शाम में ख़राब हो जाता है। तो बच्चे को खिलाने से पहले आप एक बार खुद चेक करके देखें कि खाना ख़राब तो नहीं हुआ, फिर आप उसे अपने बच्चे को दीजिए। इस चीज़ का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। आप फ्रिज में भी रखे हैं तो लाइट गांव में बहुत कटता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें, फ्रिज से भी निकाल के एक बार टेस्ट करें, अगर ख़राब नहीं हुआ तो बच्चे को दें। और मैं तो ये कहूँगी कि ताज़ा बना के बच्चे को दें, वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में आपको अपने बच्चे को जो ठेले पर के होते हैं बाहर, जैसे रेड़ी पर के होते हैं, ऐसे जगह से आपको अपने बच्चे को फ्रूट्स के जूस हो गए या फिर जैसे कोई भी खाने का आइटम हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में उनके पास ताज़ा नहीं होता और गर्मी इतनी बेजोड़ होती है, चरम पे होती है, क्या पता वो कल का आज बेच रहे हों, उसका टेस्ट बढ़ा दे, टेस्टी तो लगेगा लेकिन फिर वो नुकसान भी तो करेगा बच्चे के लिए। तो इस चीज़ को अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। अगर आप जूस भी बाहर का देना चाह रहे हैं अपने बच्चे को तो बिल्कुल मत दीजिए। अगर वो आपके सामने बना रहा हो तो ठीक है, अगर वो पहले से बना के रखा हो तो उस केस में आप अपने बच्चे को मत दीजिए। हो सकता है वो ताज़ा ना हो, 2 घंटे पुराना हो, फिर बच्चे पे वो इफ़ेक्ट डालेगा जिससे बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि गर्मियों के सीज़न में आपको रेड़ी पर के, ठेले पर के पानी, पेय पदार्थ या जूस या फिर कोई भी फास्ट फूड बच्चे को नहीं खिलाना है। इसके साथ साथ आपको अपने बच्चे को गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम, गोला, बर्फ़, इन सारी चीज़ों से भी बचाना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। मैं भी रिसेंटली की बात बता दूँ, अभी हमें लगता है 15-20 दिन पहले की बात है, विहान आइसक्रीम 1 दिन में 2 खा लिया। उस समय उसकी इतनी लूज मोशन इतना शुरू हो गया कि 1.5-2 दिन तक हम लोग पूरा झेल गए थे। ऐसी स्थिति थी, विहान उठता नहीं था, मतलब मम्मा विहान थक गया है, विहान नहीं उठ पा, ये स्थिति हो गई थी। तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में आपको अपने बच्चे के शरीर पे तेल नहीं रहने देना है। बच्चे की मालिश करना प्रॉपर ज़रूरी है, बच्चे की मालिश करिए, लेकिन मालिश करने के बाद अपने बच्चे को तुरंत नहला दीजिए, और नहलाते समय आपको ये विशेष ध्यान देना है कि तेल निकल गया हो। अगर तेल नहीं निकलेगा तो आप देखेंगे कि बच्चे के बॉडी पे और नहलाने के बाद भी एक लेयर तेल की रह जाती है, जिससे बच्चे को घमौरियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप गर्मियों के सीज़न में लाइट तेल का यूज करें, जो लाइट हो, ताकि बच्चे के लिए बेहतर हो और वो तेल नहलाने के बाद से निकल जाए। तो फ्रेंड्स आप इसका ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में आपको अपने बच्चे को मच्छरदानी, मच्छर से बिल्कुल बचाना है। आपको क्या करना है, अपने घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, आप नेट वाला दरवाज़ा लगा दें, अगर दरवाजे के नीचे से मच्छर जा रहा है तो वहाँ पे जो ब्रश आता है नीचे से डालने वाला वो आप कर दें, ताकि एकदम भी स्पेस ना रह जाए। आपके घर के आसपास जमे हुए पानी है तो आप उसको साफ़ करवा दें। अगर आप कूलर का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि डे बाय डे कूलर का जो पानी है उसको चेंज करना है उसमें से, ताकि मच्छर ना पनपने पाएँ। आपको अपने बच्चे को डेंगू और मलेरिया से भी बचाना है, जो गर्मियों के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में आपको अपने बच्चे को जितना हो सके घर पे रखना चाहिए। बच्चे को एसी, कूलर, पंखे के सामने डायरेक्ट नहीं सुलाना चाहिए,
क्योंकि जब एसी कूलर पंखे के सामने डायरेक्ट बच्चे सोते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे का जो मौसम है वो चेंज हो जाता है। जैसे घर में है पूरे एकदम ठंड के सामने पड़े हैं, बाहर निकले गर्मी ले लिए, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम भी गर्मी में हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में आपको जो पाउडर आते हैं उसके कम यूज करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मम्मी लोग होती हैं वो पाउडर का यूज करती ही करती हैं। तो जब भी आप पाउडर का यूज अपने बच्चे पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे डिब्बे से लेके मत झाड़ दीजिए, डायरेक्ट फौवे से लेके मत ऐसे ऐसे कर दीजिए, आप हाथ पे लीजिए, हल्के हल्के हाथों से उसको साफ़ करके फिर आप अपने बच्चे के जहाँ भी लगाना है लगाइए। लेकिन जब आप गर्दन के आसपास लगा रही हूँ यहाँ से ऊपर, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसको बहुत हल्के से हौले हौले लगाना है, ताकि बच्चे के सांस के द्वारा पाउडर अंदर ना चली जाए, वरना बच्चे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि गर्मियों के सीज़न में जब बच्चे को घमौरियाँ हो जाए, तो आप लोग बाहर का कोई दवा या बाहर का पाउडर, बाहर का तेल, साबुन, शैम्पू यूज करने से बेहतर है कि घरेलू उपचार करके बच्चे की घमौरियों को ठीक करें। जैसे कुछ माताएँ होती हैं जो गर्मियों के सीज़न में बच्चे को घमौरी हो जाता है, तो उस समय मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डाल के उसको मिक्स करके लेप लगाती हैं। कुछ माताएं होती हैं जो ठंडे पानी में दही या छाछ डाल के घमौरियों पे लगाती हैं दिन भर में 3 बार 4 बार, जिससे बच्चे की घमौरी ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है कि मैंने वीडियो कंप्लीट किया है, क्योंकि ए टू जेड जो भी बच्चे से रिलेटेड गर्मी में होना चाहिए वो मैंने आपको बताया है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो प्लीज़ 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 आप इसे अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट निकलेगा और आपके बच्चे का जो ये गर्मी है वो आरामदायक बीत जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो फ्रेंड्स वीडियो कितना अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल हेल्थ सेवन पे फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।